आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गोकुलपुरा स्थित राजा राम जी के मंदिर में बनाए गए पोलिंग बूथ पर भी सभी दलों के बस्ते लगाए गए। बीजेपी के बूथ प्रभारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मतदाताओं की जमकर मदद की। यहां पर भी मतदाता सूची में नाम न होने के चलते कई मतदाताओं को बिना मतदान किए ही मायूस होकर लौटना पड़ा। आज आगे मतलब जो उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का मतदान हुआ, जिसके अंदर की लोगों ने भारी बहुमत के साथ और भारी उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया। आज यहाँ सुबह से ही यहाँ पर मतदान के समय भीड़ लगी हुई थी और काफ़ी लोगों ने भावी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था। युवा पीढ़ी में तो इतना उत्साह था कि सुबह 6:30 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए थे और मैं कल लगभग जो है 70 से 75% मतदान हुआ आज की डेट में, और जो सारा मतदान जो लगभग हमारे क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस बार भाजपा जो है पुनः प्रदेश के अंदर शासित होगी और आगे भी हमारे देश प्रजा मतलब राष्ट्र में आगे भी जो आएगा उसके अंदर कमल खिलेगा, स्टेट में भी कदम कमल खिलेगा। भूते हुए आए, हमने ऑनलाइन निकाला है पर्ची वो फोन पर, तब उनको पर्ची बना के दिए हमने, 200-300 लोगों को दे दी ऑनलाइन निकाल के। काफी कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका वोट मिला ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका वोट नहीं मिला, बेचारे भटकते रहे बूथ पर, फिर भी अच्छी स्थिति है। मतदान बहुत अच्छी तरीके से हुआ, शाम 6 बजे तक अच्छी खासी लाइन लगी रही और मतदान समापन पे भी करीब 70% के आसपास वोट हो चुका है। को प्रोटोकॉल मतलब अच्छा रहा और लोगों ने जो है थोड़ी दूरी बना के ही और मास्क लगा के ही जो है वोट डाले हैं और सब संपन्न अच्छी तरीके से हो गया। अधिकारी बहुत आए, पुलिस वाले भी बराबर चक्कर लगाते रहे और अधिकारी भी बराबर जो है अपनी गाड़ियों से आते रहे और पूरी व्यवस्था एकदम ठीक ठाक रही।